हेलो गाइज, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज। मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को कक्षा 10 की बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। गाइज, पिछले लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के बारे में जान लिए थे। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 के विज्ञान का जो पहला बायोलॉजी का चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसका इंग्लिश है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, जैव प्रक्रम क्या होता है? वे प्रक्रम जो सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। गाइस, जैव प्रक्रम क्या होता है? वे प्रक्रम जो सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम लोग जैव प्रक्रम या जैविक क्रियाएँ या उपापचयी क्रियाएँ या जीवन की प्रक्रियाएँ कहते हैं। गाइज, अनुरक्षण का कार्य मतलब जीव के वृद्धि व विकास के लिए, जीव के पोषण के लिए, जीव के श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए जो क्रियाएं होती है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो गाइज, आइए हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में लिखते हैं। तो वे प्रक्रम, वे प्रक्रम जो सजीवों में, गाइज यह प्रक्रम निर्जीव में लागू नहीं होगा, सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब गाइज, यहाँ पे एक वर्ड आया अनुरक्षण। अनुरक्षण का क्या मतलब है? कि जो सजीव है उसके वृद्धि व विकास के लिए, वृद्धि व विकास के लिए। तो वे प्रक्रम जो सजीवों में वृद्धि व विकास के लिए कार्य करते हैं तो उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। गाइस, जैव प्रक्रम के प्रकार, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, व जनन तंत्र। गाइज, इतने प्रकार के सजीवों में जो जैव प्रक्रम होते हैं, जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, इतने प्रकार के सजीवों में होते हैं। तो गाइज, हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जान लिए, जैव प्रक्रम के क्या कार्य होते हैं, इसके उदाहरण क्या है, हम लोग इसके बारे में जान लिए। तो गाइज, अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण। इसमें हम लोगों का जो पहला है वह है पोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो गाइज, अब पोषण क्या होता है? पोषण वह प्रक्रम है जो किसी जंतु के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है उसे हम लोग पोषण कहते हैं। गाइज, पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जो किसी जंतु के लिए कार्य हेतु व वृद्धि के लिए, कार्य हेतु व वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए विभिन्न पदार्थों व
उसके लिए ऊर्जा की पूर्ति करता है, ऊर्जा की पूर्ति करता है, ऊर्जा की पूर्ति करता है, तो उसे पोषण कहते हैं, तो उसे पोषण कहते हैं। गाइज, यह हो गया हम लोगों का पोषण। पोषण वह प्रक्रम है जो किसी भी जीव के कार्य के लिए और उसके वृद्धि व विकास के लिए विभिन्न पदार्थों व उसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है, तो उसे हम लोग पोषण कहते हैं। गाइज, पोषण का सबसे मुख्य कारण ऊर्जा को प्रदान करना है। पोषण वह होता है, जैसे हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसे हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण का जैसे मेन अहम भूमिका होता है ऊर्जा का निर्माण करना। तो गाइज, अब हम लोग पोषण के बारे में पढ़ लिए। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पोषण की आवश्यकता हम लोगों को इसलिए पड़ी, पोषण की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए पड़ी, ऊर्जा की पूर्ति के लिए पड़ी, और टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए पड़ी, और रोगों से हमें लड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह केवल पोषण से ही मिलती है। तो गाइज, पोषण के हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी, शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा की पूर्ति के लिए, और टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत करने के लिए, और रोगों से लड़ने के लिए, इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ी। तो गाइज, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, प्रश्न, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो गाइज, इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा की पूर्ति के लिए, ऊर्जा की पूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो गाइज, इन सब के लिए जो हमें पोषण की आवश्यकता पड़ी ऊर्जा की पूर्ति के लिए, अगर हमें हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति रहेगी तो हम लोग किसी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। इसके पश्चात शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता हुई, वह कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, जैसे हमें कहीं पर चोट लग गया तो वहाँ पर जो टूटी फूटी कोशिकाएँ हैं उनमें जो मरम्मत होगा वह केवल पोषण के द्वारा ही होगा। हम लोग कुछ खाए पिएंगे उसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा के द्वारा उस टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत होगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो गाइज, हम लोगों का पोषण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइज, न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो गाइज, आइए हम लोग उसके बारे में लिखते हैं। गाइज, न्यूट्रिशन के टाइप, न्यूट्रिशन तो इसके दो टाइप हैं, गाइज, न्यूट्रिशन के दो टाइप होंगे, एक होगा स्वपोषी पोषण, एक होगा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा हो जाएगा विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। गाइस विषम पोषी पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो गाइज अब हम लोगों का हेडिंग है पहला स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, तथा उनमें होने वाले इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा उनमें होने वाले इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। गाइस स्वपोषी पोषण पौधों में होता है, ईस्ट में होता है, और ईस्ट में होता है, इसके पश्चात पौधों में होता है, ईस्ट में होता है, और मशरूम में होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो गाइज आइए हम लोग लिखते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। तो इसमें हम लोगों का पहला हो जाएगा स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो गाइस स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। उनमें होने वाले पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधे, ईस्ट, जीवाणु आदि। गाइस ये इसका एग्जांपल है। तो गाइस स्वपोषी पोषण क्या है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनमें होने वाले पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश संश्लेषण की होती है। गाइस स्वपोषी पोषण में सबसे मेन होता है वह होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोई भी जीव अपने भोजन को बनाता है, क्योंकि गाइस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा, वह मृदा से जल को लेगा, इसके पश्चात वह अपने भोजन को निर्माण करेगा, साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण करेगा। तो गाइज इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो गाइज हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोगों का जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है वह है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, आइए हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अब गाइज स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आवश्यकता होती है। तो हम लोग स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण,
गाइज प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यह वह जैविक रासायनिक घटक है, यह वह जैव रासायनिक प्रक्रम है, जैव रासायनिक प्रक्रम है जो सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस व मृदा से जल को ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निष्कासित करते हैं तथा साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निष्कासित करते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह वह जैव प्रक्रम है जो सूर्य ऊर्जा से प्रकाश को ग्रहण करेगा, इसके पश्चात वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेगा, मृदा से जल को ग्रहण करेगा, पर्ण हरित की उपस्थिति में यह ग्लूकोज व कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जल व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा। तो गाइज आइए इसमें हम लोग इसके रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो गाइज यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेगा, तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेगा प्लस मृदा से जल को ग्रहण करेगा, फिर इसके पश्चात यह सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह पर्ण हरित या सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में व पर्ण हरित की उपस्थिति में गाय 6 मोल या कार्बन डाइऑक्साइड यह इसे वायुमंडल से प्राप्त होगा या इसे मृदा से, इसके पश्चात यह सूर्य के प्रकाश में व पर्ण हरित की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाएगा तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो गाइस यह होता है पेड़ पौधों में रिएक्शन उनके भोजन का निर्माण करने के लिए। गाइस इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल व 12 जल के मोल रहेंगे, सूर्य के प्रकाश में व पर्ण हरित की उपस्थिति में यह ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यह ग्लूकोज का निर्माण करेगा साथ साथ जल का निर्माण करेगा, साथ साथ ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण करेगा। गाय जो ऑक्सीजन गैस रहेगा या जो पेड़ पौधे होते हैं इनके द्वारा बाहर निष्कासित कर लिए, मतलब वो बाहर इसे छोड़ देते हैं, और जो जल होता है इसे वे अवशोषण कर लेते हैं और ग्लूकोज के द्वारा उनमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो गाय यह होता है पेड़ पौधों में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, उनमें पोषण कैसे होता है, तो हम लोग जान गए। इसके पश्चात गाय जो ऑक्सीजन गैस जो इसके द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है यह हमारे वायुमंडल में आ जाता है, जिसमें यह ऑक्सीजन गैस या हम लोगों के लिए लाभदायी होता है तथा हमारा जो
समता मंडल में ओजोन परत है उसके निर्माण में भी लाभदायक होता है, क्योंकि गाय जो ओजोन परत है उसका सूत्र O3 होता है और इसका सूत्र O2 होता है, दोनों ऑक्सीजन से बने होते हैं, तो यह ऑक्सीजन वायुमंडल में जाकर ओजोन परत को काफ़ी मजबूत करेगा और यह हमारे श्वसन में भी, ऑक्सीजन गैस हमारे श्वसन में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। तो गाइस हम लोग जान गए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कोई भी पादप अपने पोषण को बनाता है। तो गाइस अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग जान गए, तो ऐसे क्या क्या प्रक्रम है कि जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब जब ये उपस्थित रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, तो इसमें ये प्रक्रम उपस्थित रहेंगे तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसमें पहला हो जाएगा तापमान, पहला हो जाएगा तापमान, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा होगा जल और चौथा होगा, पहला होगा तापमान, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होगा जल और चौथा होगा प्रकाश, प्रकाश पांचवा होगा खनिज लवण, पांचवा होगा खनिज लवण, पांचवा होगा खनिज लवण। गाइज ये जब किसी पादप में उपस्थित रहेंगे, किसी भी पादप में या किसी भी जीव में अगर ये प्रक्रम उपस्थित होते हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अन्यथा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। गाइज किसी भी जीव में अगर ये प्रक्रम उपस्थित रहेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो गाइज अब हम लोग जानेंगे, अब यह तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में, पादपों में, उनके पत्तियों में होता है, उनके पत्तियों में होता है, तो अब हम लोग पत्तियों में कैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, कैसे यहाँ पर जल बना, तो जल का अत्यधिक मात्रा में पत्तियों में कैसे उसका निष्कासन होता है, आइए अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। गाइस पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, इसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में एक फिगर बनाए, हम लोग उसका निर्माण करेंगे। उसका मतलब है वाष्पोत्सर्जन, कि कैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी पादपों में, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो गाइज आइए हम लोग पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वाला चित्र बनाते हैं, यह चित्र आपके एनसीईआरटी बुक में उपलब्ध है। तो गाइज पहले तो यहाँ पर मान लीजिए यह पत्ती का भाग है, इसमें यह पत्ती जो है जल को ग्रहण करके यह फूल गया है, इस प्रकार की संरचना एनसीईआरटी बुक में है। यह है गाइज पहला, तो पहला ए वाला जल को ग्रहण करके फूल गया, जल को ग्रहण करके फूल गया, और अब आइए इसी में हम लोग इसमें दूसरा फिगर बनाते हैं, यह भी आपके आपके एनसीईआरटी बुक में उपलब्ध है। गाइज यह हो जाएगा इसका सेंटर केंद्रक, यह हो गया इसका केंद्रक और यहां पर छोटे छोटे हरित लवक पाए जाएंगे। यह पत्ती का अनुप्रस्थ काट है गाइज, पत्ती के अंदर का, और इसमें एक फिगर और एनसीईआरटी बुक में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें केवल जल का अवशोषण कैसे होता है वह उसमें बताया गया, हम लोग जानेंगे इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। गाय जिसे हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका, और इसे बोलेंगे केंद्रक, केंद्रक,
यह है हरित लवक, हरित लवक, और यह है द्वारी कोशिकाएं, इसे हम लोग बोलेंगे द्वारी कोशिका, द्वारी कोशिका, इसे बोलेंगे द्वारी कोशिका, और इसे बोलेंगे छिद्र द्वार, छिद्र द्वार। गाइस जिसमें भी इसे बोलेंगे सहायक कोशिका, सहायक सेल, और इसे बोलेंगे सेंटर केंद्रक, और इसे बोलेंगे छिद्र द्वार। फिर इसके पश्चात इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हरित लवक, हरित लवक। तो गाइज यह है जैसे जब किसी पुष्प में नहीं, जब किसी पादप में मृदा के द्वारा जल का संवहन होगा, इसके पश्चात वह पत्तियों तक जाएगा, तो जो पत्ती के ये भाग होते हैं, इसे ये जो भाग हैं, ये जल को सोख कर फूल जाते हैं। जल को सोख कर फूल गए तो जो यहाँ पर यह छिद्र द्वार है, यह जो छिद्र द्वार है यह काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर उत्सर्जन की क्रिया अधिक मात्रा में होगी। जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यह उत्सर्जन की मात्रा अधिक मात्रा में होगी। जो जल का उत्सर्जन होगा, जल का वाष्पोत्सर्जन होगा, वह बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होगा। तो यहाँ पर गाइस ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, और ये छिद्र द्वार है, यह इसका केंद्रक है, और यह हरित लवक है। हरित लवक के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। तो गाइस जहाँ पर प्रकाश आया, जब यह फूला हुआ है, तो यहाँ से जल का संवहन अधिक होगा, जल का वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, जिससे पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होने के कारण उनमें जल की आपूर्ति बहुत ही मतलब जल की कमी होने लगेगी। और गाइस इस प्रक्रम में जो बी वाला है, यह जल को सोख कर इसके पश्चात कुछ समय बाद यह सिकुड़ गया। सिकुड़ जाने के पश्चात जो इसमें छिद्र द्वार है, देखिए इसकी तुलना में इसमें कम है, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही कम होगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो जल है वह अंदर चला गया, तो यह सिकुड़ गया है, तो इसमें जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही कम होगी, इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही अधिक होगी। गाइस यह हो गया हम लोगों का पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, या हम लोग जान गए। गाइस यहाँ पर यह इसका केंद्रक होता है पत्तियों का, जो उसमें छोटे छोटे भाग होते हैं, जो पत्तियों, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, या पत्ती है, तो ये जो भाग पाए जाएंगे पत्तियों के निचली सतह पर, और ये पत्तियों में से छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पेड़ पौधों में पत्तियों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं, बल्कि उसमें तनों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के साथ साथ जो गैसों का विनिमय होता है, गैस जो आ जा सकते हैं, मतलब गैसों का विनिमय हो जाएगा, जो होता है गैस का आदान प्रदान, वह जड़ों के द्वारा होता है, तनों के द्वारा होता है, साथ साथ पत्तियों के द्वारा भी होता है। तो गाइस यहाँ पे जो रंध्र है, इनके द्वारा गैसों का विनिमय होगा, साथ साथ इसके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होगी या पत्तियों में होगी। तो यह पत्तियों के निचली सतह पर इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। गाइस यह सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बनाया गया संरचना है। तो गाइस अब हम लोग पढ़ लिए स्वपोषी पोषण, उसके बारे में क्या क्या प्रक्रम होंगे जब स्वपोषी पोषण होगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करेगा, मृदा से जल को ग्रहण करेगा, इसके पश्चात सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में व परहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करेगा, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा। यह जो ऑक्सीजन गैस होगा यह हम लोगों के लिए लाभप्रद होगा, इसके साथ साथ जो हमारे समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन परत है जिसका सूत्र O3 होता है, यह उसके निर्माण में भी सहायक होता है। तो गाय जब हम लोग पढ़ लिए पूरा स्वपोषी पोषण के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषी पोषण, हेटरोट्रॉफी क्या होता है। तो गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषी पोषण के बारे में। परपोषी पोषण, वे जीव जो अपना भोजन परपोषियों के द्वारा पाते हैं उन्हें हम लोग परपोषी जीव कहते हैं, तथा उनमें होने वाले इस पोषण को हम लोग परपोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो गाइज आइए हम लोग लिखते हैं हेटरोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन के बारे में, पर पोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। दूसरा है इसका विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है गाइस, आइए इसके बारे में लिखते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो गाइस विषम पोषी पोषण क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहे या अपना भोजन पर पोषियों के स्वपोषियों के द्वारा प्राप्त करें तो उन्हें हम लोग स्वपोषी या विषम पोषी जीव कहते हैं तथा उनमें होने वाले इस पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। गाइज आइए लिखते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं तो उसे परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं तथा इनमें होने वाले पोषण को परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं, या विषमपोषी पोषण कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। गाइज विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण के बारे में हम लोग जान लिए, अब हम लोग इसके एग्जांपल के बारे में जानते हैं। तो गाइज इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा मानव, पशु, पक्षी, मानव पशु पक्षी जो खटमल, फीता क्रीम, जीवाणु इत्यादि। तो गाइज ये सभी जितने जीव हैं ये विषमपोषी पोषण में आते हैं, इनका निर्माण नहीं, इनमें जो भोजन की आपूर्ति होती है किसी दूसरे जीव के द्वारा होता है। तो गाइज इसे हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं, विषमपोषी पोषण के बारे में हम लोग जान लिए, अब हम लोग जानेंगे कि विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जो यह विषमपोषी पोषण होता है यह तीन प्रकार का होता है, विषमपोषी पोषण गाइस, जो विषमपोषी पोषण है यह तीन प्रकार का होता है। इसमें पहला है इसमें प्राणी समभोजी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके बाद परजीवी पैरासाइट्स, इसके पश्चात इसमें तीसरा है मृतोपजीवी स्पोरोजोइक। इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग इसके प्रकार के बारे में लिख लेते हैं, विषमपोषी पोषण तीन प्रकार का होता है, प्राणी समभोजी होलोजोइक, पहला हो जाएगा होलोजोइक, होलो
जोइक न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाएगा पैरासाइट्स, पैरासाइट्स न्यूट्रिशन। गाइज पहला हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाएगा पैरासाइट न्यूट्रिशन और तीसरा हो जाएगा सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन गाइज ए बी सी। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संप्राणी, संप्राणी। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संप्राणी, नहीं प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी जीव या पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। और इसे हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और इसे हम लोग बोलेंगे मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। तो गाइस प्राणी समभोजी पोषण क्या होते हैं? वे जीव जो अपना पोषण ठोस अवस्था या तरल अवस्था में प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि होंगे। इसके पश्चात परजीवी पोषण, वे जीव जो सजीवों के द्वारा अपने पोषण को प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। गाइस इसका एग्जाम्पल जू, खटमल, जोक, फीता क्रीम, अमरबेल ये सब हैं। इसके साथ साथ जो मृतोपजीवी पोषण, वे जीव जो अपना पोषण मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग मृतोपजीवी जीव कहते हैं। उनमें होने वाले इस पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। गाइस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, कवक, जीवाणु इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो अपना पोषण जो अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं तो उसे प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। गाइज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मनुष्य, गाय, कुत्ता इत्यादि इटीसी। गाइज ये सब इसके एग्जाम्पल है। जो अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करता है तो उसे हम लोग प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। गाइस इसके पश्चात इसमें हम लोगों का दूसरा है पैरासाइट्स न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। बी वाला पैरासाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स न्यूट्रिशन। जो अपना भोजन जीवित, जो अपना भोजन जीवित प्राणी से ग्रहण करते हैं, जीवित प्राणी से ग्रहण करते हैं।
गाय जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा जू, खटमल, फीता क्रीम, अमर बेल, जोक। गाइज ये इसके एग्जाम्पल हैं गाइज जो, और इसका एक क्वालिटी और भी है, जो परजीवी पोषण होते हैं ये जिस जीव से अपने पोषण को प्रदान करते हैं न ही उसे कुछ नुकसान होता है और न ही इन्हें कुछ नुकसान होता है, मतलब इसमें दोनों को फायदा होता है। इनमें इन्हें पोषण प्रदान होता है और जिसके द्वारा ये पोषण प्रदान करते हैं उसमें उस व्यक्ति को या उस जीव को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती है। तो गाय इस प्रकार के पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। गाइस इसका एग्जांपल हो जाएगा जो, खटमल, फीता क्रीम, अमरबेल, जोक इत्यादि। अब इसके पश्चात गाइस हम लोग मृतोपजीवी पोषण कहते हैं शैवालान, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। जो अपना भोजन सड़े गले व मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, तो उसे मृतोपजीवी जीव कहते हैं। उनमें होने वाले इस पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। गाय जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, जीवाणु, कवक। गाइज ये है परजीवी मृतोपजीवी पोषण के उदाहरण। पहला है प्राणी संभोजी पोषण, वे जीव जो अपना पोषण तरल अवस्था या ठोस अवस्था में ग्रहण करते हैं तो उसे हम लोग प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। गाय जिसका एग्जाम्पल अमीबा, मनुष्य, कुत्ता इत्यादि सभी प्राणी होते हैं, सभी जीवधारी प्राणी होते हैं। इसके साथ साथ गाय परजीवी वे जीव जो अपना भोजन किसी सजीव से प्राप्त करते हैं तथा न ही उस जीव को कोई नुकसान होता है और न ही इन्हें कोई नुकसान होता है, इन्हें बल्कि फायदा ही होता है, तो उसे हम लोग परजीवी जीव कहते हैं। और जीवाणु मृतोपजीवी ये जीव जो अपना पोषण सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले या मरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग जीवाणु मृतोपजीवी जीव कहते हैं। जैसे इसमें हो गया ईस्ट हो गया, कवक हो गया, इसके साथ साथ जीवाणु हो गया। गाइज इसमें या जो जिस पर जिसके द्वारा ये पोषण प्रदान करते हैं उसको नष्ट करते रहते हैं, धीरे धीरे उसे नष्ट कर देते हैं। और गाइज जो इसमें होता है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें भी ये जिसके द्वारा मतलब जिससे पोषण प्रदान करते हैं उसे भी नष्ट कर देते हैं। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का विषम पोषी पोषण के प्रकार। पहला हो जाएगा होलोजोई न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाएगा पैरासाइट, तीसरा हो जाएगा सेप्रोजोई न्यूट्रिशन। हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए तथा इसके केंद्रक के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में कैसे पोषण होता है। सजीवों में पोषण के लिए आप लोगों को किताब में है अमीबा का एग्जाम्पल। तो आइए अब हम लोग अमीबा के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कैसे अमीबा भोजन को अपने ग्रहण करता है, इन सब के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अमीबा में पोषण, सजीवों में पोषण में एग्जाम्पल आप लोगों के किताब में है अमीबा। तो अब हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में जानें। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। तो गाइस आइए हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई अमीबा है, यह इसका केंद्रक है, यह एक कोश की जीव है अमीबा। अमीबा
यह अपने भोजन को कैसे प्रदान करता है? जैसे मान लीजिए यह जल में रहता है, या पूरी तरह जल में रहता है, जल की ऊपरी सतह पर डूबा नहीं रहता है, यह जल में, यह जल में है ना। अब यहाँ से जैसे कोई खाद्य पदार्थ आया और वह उसे कैसे उसका शिकार करेगा, मान लीजिए पहले यह अमीबा है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर कोई खाद्य पदार्थ आ रहा है, यहाँ पर कोई खाद्य पदार्थ आ रहा है, जल की लहरें इधर चल रही हैं और इसी की दिशा में आ रहा है, यहाँ पर अमीबा है। आप दूसरे स्टेज में मान लीजिए जैसे यह अमीबा है और यह जो खाद्य पदार्थ है एकदम अमीबा के नज़दीक पहुँच गया है, अमीबा के नज़दीक पहुँच गया है, यह सब प्रक्रियाएँ जल में होंगी। तो गाइस अब यह जो अमीबा का आया हो गया केंद्रक, तो अब यह जो खाद्य पदार्थ है अमीबा के नज़दीक आया, तो अब अमीबा क्या करेगा, अपने कूट पादप जो इसके होते हैं इसको फैलाकर इसको चारों तरफ से घेर लेगा। ये अमीबा का लक्षण होता है, जब यह पोषण को अपने शिकार को देखता है तब यह अपने शरीर की आकृति बदलकर कूट पादप के रूप में दे देता है। इस प्रकार से जो शिकार होते हैं इसके अंदर चले आते हैं। अब मान लीजिए इस शिकार है या इसका केंद्रक है, इसके अंदर चलाया, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब यह शिकार को अपने अंदर कर लेगा, शिकार को अपने अंदर कर लिया। अब यहाँ पर यह शिकार आ गया, इसके चारों तरफ एक प्रकार का लेयर बन जाएगा और यह इसका केंद्रक। तो गाइस अब यह जो है इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को स्रावित करेगा ताकि यह जो भोज पदार्थ है यह सरल खंडों में टूट जाए, ताकि यह जो भोज पदार्थ है यह सरल खंडों में टूट जाए। अब टूटने के पश्चात गाइस जब यह इसका जो पूरी तरह से यह स्वांगीकरण हो जाएगा, अब मतलब मान लीजिए जैसे यह है यह इसका केंद्रक है, अब यह पूर्ण रूपे टूट गया तो मतलब सभी जगहों पर फैल जाएगा, जिसको जितनी आवश्यकता होगी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी पोषण की उसमें वहाँ पोषण के लिए ऊर्जा के लिए वहाँ पर यह चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में जैसे हम लोग सभी जीव, सभी पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव पोषण करते हैं, पोषण के पश्चात कुछ अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है, ठीक उसी प्रकार से अमीबा में भी उत्सर्जन होता है, अमीबा में उत्सर्जन होता है बाहरी क्षेपण के द्वारा। अब मान लीजिए यहाँ पर यह चारों तरफ फैल गया, जो ऊर्जा के लायक था, जो उसमें पोषण के लायक था उससे यह पोषण लिया। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, यह जो अमीबा है अब नेक्स्ट स्टेज में यह अपने बाहरी लेयर को खोल देगा, इसके पश्चात जो इससे अपशिष्ट मल पदार्थ हैं यह धीरे 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 बाहर चले जाएंगे, धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे। तो गाइजिया इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। पहले तो अमीबा यहाँ पर है या अमीबा शिकार को देखा, इसके पश्चात जब शिकार इससे नज़दीक आया तो अब यह इसे अंदर लेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे अंतर्ग्रहण, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। फिर इसके पश्चात अब गाइज नहीं, अंतःग्रहण वाली प्रक्रिया ये होगी, अंतःग्रहण। गाइज अब इसे अंतःग्रहण कर लिया, अंतःग्रहण करने क्रिया करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को यहाँ पर स्रावित करेगा, एंजाइम, विभिन्न प्रकार के एंजाइम को यहाँ पर स्रावित किया, तो अब यहाँ पर इसका पाचन होगा। पाचन के पश्चात अब यहाँ पर यह पाचन हुआ, यह पूरे शरीर में फैल जाएगा, सरल अणुओं में टूट जाएगा। सरल अणुओं में टूटने के पश्चात जैसे मान लीजिए यह खाद्य पदार्थ है, अब यह पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे अवशोषण, यह प्रक्रिया अवशोषण की घटना कहलाएगी। अवशोषण के पश्चात अब यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण के पश्चात अब जो अपशिष्ट पदार्थों का इसमें, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को इसमें बाहर लेकर जाना है, तो अब इसमें हो जाएगा बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। तो गाइज अब इसमें बहिक्षेपण के द्वारा संपूर्ण जो अपशिष्ट मल पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है, अवशोषण के द्वारा जो न्यूट्रिशन, मतलब जो पोषण लायक रहेगा उसे अवशोषण कर लेगा। फिर इसके पश्चात स्वांगीकरण की प्रक्रिया आती है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जिस तंत्र को जिसकी पोषण की आवश्यकता होगी उस तंत्र को उतना पोषण मिलेगा। फिर इसके पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बहिक्षेपण की क्रिया के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो गाइज अमीबा में इस प्रकार से पोषण होता है। यह है केंद्रक इसका, यह है केंद्रक, यह भी है इसका सेंटर। अब गाइस यहाँ पर जो एंजाइम को स्रावित किया यह इसके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देगा,
जटिल अणु को सरल अणु, सरल अणु में तोड़ दिया। गाइस अब यह जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ दिया, इसके पश्चात अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा सभी स्थानों पर जितने पोषण की आवश्यकता होगी चली जाएगी। फिर इसके पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे जिसका उसमें कोई कार्य नहीं होगा तो अब बहिक्षेपण की क्रिया के द्वारा बाहर निष्कासित हो जाएगा। तो गाइस हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ लिए। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं जैव प्रक्रम, पोषण, पोषण के प्रकार, फिर इसके पश्चात हम लोग जीवों में जनन, सजीवों में पोषण कैसे होता है, सजीवों में पोषण में हम लोगों का एक एग्जाम्पल था अमीबा, हम लोग पढ़ लिए। अब जो गाइस कल हम लोगों का लेक्चर होगा वह हो गया मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, भोजन मुख के द्वारा मुख गुहा से होता हुआ आमाशय में जाएगा, आमाशय से क्षुद्रांश में, छोटी क्षुद्रांश से बड़ी क्षुद्रांश में, क्षुद्रांश के द्वारा जो अपशिष्ट मल पदार्थ होगा वह बाहर निष्कासित हो जाएगा और जो ऊर्जा के लायक होगा वह इधर अवशोषित कर लिया जाएगा। तो गाइस कल का हम लोगों का लेक्चर रहेगा मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण। तो गाइस कल का लेक्चर है मनुष्य में पोषण। गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।